दोस्त। जी हाँ, मैं हूँ जनता का दोस्त और आपका होस्ट आशीष चौधरी। और क्या आप सोच सकते हैं कि सांप ने अंडे दिए, अंडे नौ अंडे, नौ अंडों में से बच्चे, और सर्प मित्र और वन अधिकारी की एक बड़ी जीत। जी हाँ, हुआ ये कि पनवेल के करंजड़े गांव में जब सांप एक घर में आया तो उनका कॉल गया। कॉल गया, कॉल जाने के बाद जब सर्प मित्र वहाँ पहुँचे तो उन्होंने उस सांप को लिया और लेके जब गए तो देखा थैली में कि उसके साथ अंडे भी हैं। तो अंडों के में जब उन्होंने देखा, ये आप देख सकते हैं, हम आपको चित्र दिखा रहे हैं, ये चलचित्र आप देख सकते हैं कि सांप जो है वो अंडों से कैसे बाहर आते हैं, और इसका सारा श्रेय जो है वो सर्प मित्र और वन अधिकारी को जाता है। ऐसा सर्प मित्र आपने पहली बार देखा होगा और ऐसी कहानी सांप और अंडों की आपने पहली बार देखी होगी। जी हाँ, ये हम आपको खास करके इसलिए दिखा रहे हैं ताकि सांप से आप डरे नहीं। जब भी कभी सांप आए तो आप सर्प मित्र को कॉल कर सकते हैं। सर्प मित्र इसलिए सदैव तैयार रहते हैं। जी हाँ, लेकिन इस तरह की कहानी मेरे हिसाब से ये पूरे जो सांप की कहानियां होती हैं उसमें से एक। नमस्ते, मैं सर्प मित्र तेजस उल्वेकर। 27 अगस्त 2022 को हमारे सेव वाइल्ड लाइफ ग्रुप पनवेल के हेल्पलाइन नंबर पे एक कॉल आया कि हमारे घर में सांप है। उस सांप को पकड़ने के लिए हमारे टीम के दो सदस्य रंजीत जाधव और अल्तमिश तुपके ये चले गए। सांप को देखने के बाद धामन प्रजाति का सांप उनको दिखाई दिया, तो सांप को पकड़ के कुछ दूरी पे उसको छोड़ने के लिए चले गए। छोड़ते वक्त उनके नजर में आया कि वो बैग में सांप के साथ कुछ अंडे दिखाई दे रहे हैं। अंडे देखते ही रंजीत जाधव ने मेरे को कॉल किया। कॉल आने के बाद मैंने रंजीत को कहा कि वो सांप और अंडे मेरे पास लेकर आओ। तो कुछ ही मिनटों में मैंने फॉरेस्ट ऑफिसर से बात करके कि हुई हुई घटना के बारे में जानकारी दी, तो फॉरेस्ट ऑफिसर ने उसके लिए हाउसर को बताया कि एन बारिश के मौसम में अगर अंडे बाहर रखेंगे तो अंडे खराब हो सकते हैं, तो उनको कृत्रिम रूप से अब घर में उबा सकते हैं। तो उसके लिए फॉरेस्ट ऑफिसर ने हाँ कहा और उस अंडे का सेटअप मैंने लगाया और उनको कृत्रिम रूप से उबाने के लिए रखे। तो 2.5 महीने के बाद उस अंडों में से सांप बाहर आने लगे। एक एक करके टोटल 9 अंडों में से 9 सांप बाहर आए और हम पहले ही अजगर जाति का सांप, धामन जाति का सांप, दिवड़ जाति का सांप और ऐसे बहुत सारे सांपों के अंडों में से बच्चे बाहर निकाले हैं। तो अगर पनवेल के आजू बाजू के परिसर में आपको अगर ऐसे कोई सांप घर में दिखाई दे रहा है या कोई अंडे आपको दिखाई दे रहे हैं तो हमारे सेव वाइल्ड लाइफ ग्रुप पनवेल के हेल्पलाइन नंबर पे आप कॉल करो। हमारी टीम आपके लिए 24 घंटा उपलब्ध है। धन्यवाद।